थिंक माइक का थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, प्लीज बेयर विद मी. नेक्स्ट इज द पर्सन जिन्होंने 600 से ज्यादा फिल्में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, उनका नाम है सलीम जफर. राजकुमार कनौजिया जी, नेक्स्ट वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जो पहली बार इवेंट अटेंड कर रहे हैं, वैसे वो इवेंट्स में जाते नहीं है, एंड उनके बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग्स हैं. वन ऑफ द सुपरहिट सॉन्ग्स इज मेरा प्यार 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 कंप्लीटली. इन्होंने आवाज दिया है अमिताभ बच्चन जी के लिए, अजय देवगन जी के लिए, अक्षय कुमार जी के लिए, लॉर्ड ऑफ लेजेंड्स लाइक शाहरुख खान, एंड सुपरहिट सॉन्ग जो अभी जन्माष्टमी में बहुत बजने वाली है वो है गो गो गोविंदा. नेक्स्ट आई इनवाइट ऑन स्टेज मनीष शाह जी, म्यूजिक सीरीज कंपनी के प्रोड्यूसर जो खास करके गुजरात से आए हैं. अरुण बसावत बीफोर यू चैनल के साथ ये गाना लॉन्च कर रहे हैं. बीफोर यू चैनल के टीम मेंबर्स आज बारिश के लिए आ नहीं पाए, हम सब आ गए. So before you channel ke team members, I request them to join us. Zubair Khan ji, Sanjay Sawan ji, Saif Khan and Ankit ji. Taliya please, aapne before you channel se dekha hai, wahi pe bajenge aap ye gaane. Ye naya gaana jo hai Tera Pyar, wo launch ho raha hai on before you. Next I request on stage Mohammad Asif, Bollywood actor, aur Aamir Khan. Join us. अरुण बसावत जी का ये इवेंट है. वी आर सेलिब्रेटिंग ऑल दिस अमेजिंग पीपल. वी आर हैविंग द हीरोइन ऑफ द सॉन्ग तेरा प्यार प्राची, द म्यूजिक एल्बम हीरोइन प्राची. नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट लिरिक्स राइटर दीपक राठौर जी टू जॉइन अस. तालिब जी तो ज्वाइन करते नहीं है पर वहां से डायरेक्ट करेंगे, अभी क्या होगा. तालिब जी अब ज्वाइन करेंगे हमें स्टेज पे. तालिब जी, सो कैन यू हैव द म्यूजिक लॉन्च नाउ. यस, सब आए यहाँ पे. और सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूंगा जो मुझे प्रोड्यूसर बनाया. मुझे मेरे एक बोलते हैं ना आगे, प्रोड्यूसर ऐसे नहीं बनता, प्रोड्यूसर बनने के लिए भी धक्का लगाना पड़ता है. तो सबसे पहले थैंक्स बोलूंगा मैं डायरेक्टर राजू वासावर जी और दीपक भाई जो इतना अच्छा गाना लिखा, जो उनसे वजह से हिट हो गया. थैंक यू. और राजू जी कुछ बोलेंगे, कैसा है एक्सपीरियंस? राम राम. ये बहुत प्यारा है, ये प्यारी मोमेंट है जब डायरेक्टर कुछ बोलना नहीं चाहता. प्राची कुछ बोलो यार. मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी बिफोर यू चैनल एंड कामरुद्दीन सर, वसावर सर, राजू सर एंड दीपक सर, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग पापा. सो स्वीट. पापा की कड़ी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Thank you. बीच में ऐसे. हाँ जी बोलिए. कमरुद्दीन भाई, कमरुद्दीन भाई
नहीं वो बहुत गाँव का अभी हूँ मैं अभी जा थोड़ा हूँ अच्छा तेरी अखियों का बाज जैसे शेर का शिकार तेरा हुस्न धुएं रात जैसे जलता सिगार तेरी अखियों का बाज जैसे शेर का शिकार तेरा हुस्न धुएं रात जैसे जलता सिगार तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार तेरा प्यार 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 अब तो कहिए तेरा प्यार 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 आते तेरा प्यार 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 तेरा प्यार 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 रुका बार 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 तेरा प्यार 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 रुका बार ओ रोजा तालियां रिसीविंग द अवार्ड तालियां हो जाए प्लीज आगे आगे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है उससे भी ज़्यादा प्राउड इस बात का फील हो रहा है कि तालिब दादा जिनको मैं इतने सालों से जानती थी आज वो इस जगह पर पहुंच गए हैं कि एक अवार्ड शो उन्होंने यू नो ऑर्गेनाइज किया है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड अबाउट सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है मतलब मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे मैं हमेशा कहती हूँ एक्टिंग से ज़्यादा मुझे म्यूज़िक पसंद है और इसीलिए शायद मैं यहाँ म्यूज़िक लॉन्च वाले इस अवार्ड शो में आई हूँ अदरवाइज मैं अवार्ड शोज में नहीं जाती हूँ तो यस आई एम हैप्पी एंड उन सब के लिए ऑल द बेस्ट अभी तो मैं सिर्फ कुंडली भाग्य का ही शो कर रही हूँ बिकॉज एज यू पीपल नो कि जब आप एक टीवी सीरियल करते हो तो आपको उसी में स्टक रहना पड़ता है 15 टू 20 डेज उसमें देने पड़ते हैं तो अभी तो मैं फिलहाल के लिए वही कर रही हूँ एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट हाँ देखिए जो मेरी पूरी टीम है मुझे तो वो बहुत पसंद है और रही बात राजवीर की मतलब पारस की या फिर मैं बात करूँ मोहित की या फिर सोहिल या फिर किसी की भी अगर मैं बात करती हूँ तो दे आर वेरी नाइस पीपल एंड वेरी हम्बल और मतलब एक तरह से ना जैसे एक एक्टर का सेकंड होम होता है सेट बिकॉज हम घर पे सिर्फ सोने के लिए जाते हैं बाकी पूरा दिन हमारा उस सेट पर ही निकलता है तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी पूरी टीम से और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं एंड आई फील ग्रेटफुल कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला थैंक यू सो मच एवरी वन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टीम थैंक यू जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अक्सर आजकल की दुनिया में मैं मेरा मेरा होता है पहली बार आज मैं सुनने में आया कि तेरा यहाँ तेरा प्यार है तो वाकई जब तेरा प्यार होगा तो फिर मेरा प्यार कम हो जाएगा और तेरा प्यार बढ़ जाएगा और जब तेरा प्यार बढ़ जाएगा तो सब अपने आप सब कुछ बढ़ जाएगा और जब बढ़ता है तो सबको अच्छा लगता है घटता है तो दुख होता है और यहाँ अफकोर्स दुख का मामला है ही नहीं और दूसरी बात तालिब भाई अरुण बसावा भाई इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ हमारा लंबा एसोसिएशन रहा है लगभग 20 सालों से जानता हूँ और ये बहुत कर्मठ व्यक्ति है और हमेशा ये कुछ कुछ नया नायाब करते रहते हैं और वाकई ये अवार्ड शो करके इन्होंने जता दिया बता दिया कि हाँ शुरुआत की जा सकती है और अच्छा शुभारंभ किया है और ये आरंभ एक दिन बहुत बड़ा प्रारंभ का रूप लेगा ये फॉर श्योर है मेरी सोनी लीव पे 3 वेब सीरीज है द पेपर ट्रायल नॉट सो फेमस और एक आएगा तलाक मुबारक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और फीचर फिल्म है तोता उड़ मैना उड़ बहुत अच्छा एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन तालिब भाई और सभी टीम को म्यूजिक एल्बम जो रिलीज हो रहा है उन लोग सभी को मेरा ब्लेसिंग विल बी ग्रेट थैंक यू मैं तो बंगाली रीजनल करता हूँ यहाँ छोटे मोटे काम कर लेता हूँ भूल भुलैया 3 मेरी आने वाली है एक सलमान भाई के साथ अभी मेरी एक साइन हुई है इंशाल्लाह और दो चार हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट देखा जाए क्या होता बहुत बहुत मुबारकबाद तेरा प्यार जो आज सॉन्ग लॉन्च हुआ है अरुण वसावत फिल्म्स के बैनर तले और राजू वसावत जी ने इसको बहुत बखूबी डायरेक्ट किया है और बहुत तमाम
बहुत हुनरबाज जो हैं यहाँ पे, होनहार और बहुत टैलेंटेड लोग इस टीम में शामिल हैं। बी फॉर यू म्यूज़िक का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि उनके चैनल पे ये जो सॉन्ग्स हैं आप देख पाएंगे वीडियो, म्यूज़िक वीडियो उसका। और बहुत खुशी हो रही है कि आज ये अवार्ड से सम्मानित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन सिद्दीकी भाई का, तालिब भाई का खासकर, क्योंकि उनका प्यार और उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा अपने कोई भी जो भी वो काम करते हैं छोटे बड़े में, उनकी ये उम्मीद होती है, उनकी ये तमन्ना होती है कि मैं उसका एक हिस्सा बनूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों को आज नवाजा गया अपने टैलेंट के वजह से, अपने इतने सारे आर्टिस्ट, इतने सारे लोग, इतने सारे होनहार लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, तो बहुत अच्छी बात है। ये फिल्म ये गाने की यार गाना इतना सुना ही नहीं है मैंने। मेरा सॉन्ग, हाँ, कल जन्माष्टमी का उपलक्ष्य है और गोगो गोविंदा मेरा गाना जो सबसे पहला गाना था मेरा, आज जैसे ये सॉन्ग लॉन्च हुआ है तेरा प्यार, वैसे 12 साल पहले जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे ही मेरा गाना आया था ये, और उससे ही मेरी बॉलीवुड में एंट्री हुई थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको जितने भी देखने वाले हैं जन्माष्टमी की। अटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला, तो हम भी फुवारे हैं तू आजमाते हैं तो चांद तारे हैं हम, चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये बहुत ही अच्छा लगा हमें, तालिब जी ने बुलाया हमें। मेरा भी 2 महीने पहले ही मेरा एक सॉन्ग रिलीज हुआ बिफोर यू में। बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है और सबसे अच्छा लगता है कि वो अपकमिंग जितने स्टार है सबको सपोर्ट करते हैं और इसी के लिए सबको ज़्यादा ये बूस्टअप मिलती है ना, तो और चाहते कि और आगे बढ़े और कुछ करके दिखाए इसके लिए। थैंक यू सो मच। म्यूजिक तो खैर अच्छा है माशाल्लाह, और ये जो अवार्ड फंक्शन का जो तरीका है बहुत अच्छा लगा सबके लिए, और मैं चाहूँगा कि तालिब भाई भी और ये कंपनी भी बहुत अच्छे है, अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि आगे बढ़े। मैं तो एक्टर और राइटर का काम करता हूँ। दूसरी जो हमारी पिक्चर आ रही है बहुत बड़ी, उस पिक्चर में आज तो मैं सेकंड लीड करता हूँ, और वो पिक्चर में वो हमारी बिहार में आधी शूटिंग होगी और आधी मुंबई में होगी, और उसमें करेक्टर अच्छा है मतलब, तो न्यू लोगों को चांस मिलता है, और मैं दुआ करूँगा कि हर इंसान को कामयाबी मिले। जैसे आप लोग भी मेहनत करते हैं उनको भी उसी तरह मेहनत मिले, करें और मेहनत का फल मिले, और इंशाल्लाह बिफोर के ये लिए भी प्रार्थना मतलब दुआ करता हूँ उनके लिए भी कि ये आज के जनरेशन से जो नए सितारे उभर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है जिस पर। बाकी तो तालिब भाई के लिए तो बात दोबारा सलाम करूँगा और आप लोग के लिए मीडिया के लोग भी सलाम करूँगा। इट वॉज नाइसली ऑर्गेनाइज एंड वेल अपॉइंटेड ऑन ऑल पैरामीटर्स ऑफ एनी अवार्ड फंक्शन पर से, and definitely it is our greatest pleasure to be part of this award function and getting award on the stage by eminent personalities of the industries, Bollywood industry and telefilm industry, and we belong to healthcare industry, right? And he is our MD Mr. Javed Salat, who has started that Bluebell with the thought of giving the best possible service at the most affordable prices to the society. And definitely his vision is getting almost fulfilled day by day, and we are doing pretty good day by day as regards of the service factor. Because see, in hospital industry there is a common myth that hospital jayenge to yahan par jyada bill ban jayega, but we defeated that myth, and we generally definitely mean that by saying we provide the best services at a very affordable prices. What we mean and what we do that, right? And it is our pleasure associating with Bluebell Hospital, and it's a unit of Cipro Healthcare Private Limited, and he is the founder, owner, and MD.
and I have been associated with this hospital since last 8-9 months. And definitely we will take up this healthcare industry through this hospital to greater heights. With your all best wishes. Thank you so much. So it has been pleasure to be here. So I would say just only one line, because I have spoken too much over the stage. So it's my motto is healthcare for everyone at every affordable price. That's my motto. So that's it. प्राची किंसुरिया और मैं 17 साल की हूँ और थैंक यू कामरुद्दीन सर जिसने मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. फर्स्ट अवार्ड मेरा है. बहुत खुशी हो रही है. और मेरा नाम दीपक राठौड़ है और ये सॉन्ग जो मैंने लिखा है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कामरुद्दीन सर का, राजू भाई सर का, अरुण भाई वसावत का, जिन्होंने मुझे स्टेज पे पहुँचाया. आज मैं यहाँ तक आया हूँ. Calling us and associating us with the films and everything, and we are highly obliged to get associated with Arun Bhai and his films, and thank you for the collaboration, and I wish all success to them for this film. Thank you very much. लोगों के काम समझ में आता है तो डेफिनेटली है कि इंसान आगे तरक्की करता है. और हम लोग बेसिक हमारी कंपनी है ZA Films International. हम फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एग्जीबिट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं. बहुत सी फिल्में मैंने अभी एग्जीबिट किया, प्रोड्यूस किया, डिस्ट्रीब्यूट किया. अभी अभी हमारी एक पिक्चर आई है टोकन द ट्रेजर, जिसको मैंने ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया. इंटरनेशनल राइट्स भी लेता हूँ पिक्चरों का. अभी 3-3 पिक्चर है जो मैंने प्रोड्यूस किया है फिल्म का. एक गब्बर सिंह टैक्स है जो लगा हुआ है सामने. अभी हमारी एक पिक्चर आई है अरे संसार रे संसार, 100 डेज सेलिब्रेट करा रहे थिएटर में. तीसरी पिक्चर दुबई है. ये तीनों को प्रोड्यूस मैंने किया है और सब बड़े अच्छे एक्सपीरियंस है. पूछे और क्या पूछना चाहिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बधाई देता हूँ मैं ये तेरे नाम की पूरी टीम को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर, एक्टर सबको. गाना बहुत अच्छा बना है, अच्छा लव सॉन्ग है. और मैं प्रे करता हूँ, दुआ करता हूँ कि गाना ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो जाए और अच्छे गाने और बनाते रहें. और आज जो अवार्ड फंक्शन है, तालिब भाई जो है हमारे काफ़ी करीबी है, इन्होंने हमें इन्वाइट किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और ऐसे अवार्ड फंक्शन होने चाहिए कि ऐसे होने से एक दूसरे से मुलाकातें होती है, काम किस तरह से होता है, कैसा करना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पर निकल के आती हैं. और जो गाना बना रहे, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, इनको भी एक हौसला मिल जाता है कि भाई चलो हमने कुछ अच्छा काम किया है, लोग आए मिले, तो अच्छा अच्छा दौर रहता है. ये सब अवार्ड फंक्शन बहुत बढ़िया रहता है. ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आज तेरा प्यार का गाना भी लॉन्च था एंड आप देख सकते हो अरुण वसावत फिल्म्स एंड टीएस फिल्म्स का आज एक बहुत प्यारा अवार्ड भी था, प्रेस्टीजियस अवार्ड एंकरिंग कर रही थी एंड बहुत अच्छे अच्छे यू नो सेलिब्रिटीज आए थे और सब अपने क्षेत्र में जो टॉप हैं सारे लोग आए थे. आई वाज वेरी हैप्पी जॉइनिंग देम एंड बीइंग पार्ट ऑफ इट. जी मेरी अभी फिल्म आ रही तमिल फिल्म है अभय दियोल जी के साथ है, इदुवेदालम सोलम कदई. एंड मेरी हाल ही में अभी फिल्म आई है रॉकी द स्लेव, हिंदी फिल्म है. एंड एक भविष्य फिल्म है मराठी में. तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. थैंक यू. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे? हमने जो हमारा अरुण वासावर फिल्म और टीएस फिल्म, उसका प्रोड्यूसर मैं हूँ अमृत सिद्दीकी, और इस फिल्म इस सॉन्ग के डायरेक्टर राजू वासावर, जो बहुत फिल्म कर चुके हुए गाने की, अभी दो और फिल्म करने जा रहे हैं लोग मिलके, और हिंदी दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और एक करने जा रहे हैं. और इसके आज सॉन्ग दीपक जी ने लिखा हुआ है, जामनगर से दीपक राठौर गुजराती है, और दानिश अली ने म्यूजिक दिया हुआ है. बस कमरुद्दीन और काले बिस्तर से आगे बढ़े. मैं तो गुजरात में छोटे मोटी फिल्में कर रहा हूँ, मैं एल्बम भी बहुत किया मैंने. अरे भी हिंदी फिल्म आ रही है अवध,
और इसके बाद दिवाली पे रिलीज हो रही है धर्म, वो गुजराती है। मैं फिल्में भी करता हूँ, एल्बम भी करता हूँ, मेरे भाई है तो मैं इन लोग के लिए आते रहता हूँ। आ जाओ। बबरुद्दीन सर और दिवेश सर मेरी बेटी को आगे लॉन्च करना चाहते हैं और सॉन्ग में और मूवी में वो सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे इस बात से खुशी है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मेरी बेटी को कि बोलती नहीं है, वो एक अच्छी डांसर है और एक अच्छी एक्टर है। मैंने 3 साल से कोशिश कर रही हूँ अपनी बेटी को आगे ले जाने के लिए, और जो भी मैं कर पा रही हूँ, मैंने आज तक इसको इतनी अच्छी डांसर बनाया, नामुमकिन को मुमकिन किया मैंने इसको, एक्टिंग, लिप सिंग, अच्छा डांस, और आगे सर सपोर्ट कर रहे हैं कि ये अच्छा काम करें। और जी मैं चाहती हूँ कि अपने ये मॉडलिंग में भी आगे जाए और अच्छी एक्टर बने। कुछ डायरेक्टर ने बोला कि ये नामुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन करके दिखाएंगे। एक आगे और एक गाना बनाने जा रहा हूँ, मैं खुद डायरेक्टर थोड़ी हीरो हीरोइन को लॉन्च कर रहा हूँ, और इसने काफी सॉन्ग में काम भी किया है, करती है काम, आइटम सॉन्ग भी किया है और पंजाबी सॉन्ग भी किए हैं। तो माँ बाप का साथ होता ना तो कोई भी बेटी कर लेती है, भले सुन पाती है कि ठीक तो करती ना, ठीक तो होता है। एक सॉन्ग है।